बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अग्नि तत्व की जो पहली राशि है वो है मेष राशि, एक नंबर की राशि है मेष राशि। देखिए मेष राशि का जो स्वामी है वो है मंगल, और मंगल जो है उसके अंदर कुछ मात्रा में जल होता है और बाकी मात्रा में होती है अग्नि। सूर्य की सर्वाधिक प्रिय राशि अगर किसी को मानते हैं तो वो है मेष राशि, क्योंकि सूर्य यहां पर उच्च का हो जाता है, सूर्य यहां पर सर्वाधिक मजबूत हो जाता है। मेष राशि से 12 राशियों की शुरुआत भी होती है, यानी अग्नि तत्व की पहली राशि तो है ही, वैसे भी राशियों में पहला नंबर जिसका है वो मेष राशि है। यानी मेष राशि का मतलब है कि ये शुरुआत करना जानते हैं, यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, आमतौर पे मेष वाले थकते नहीं हैं, साहस बहुत होता है, कुछ नया शुरू करने में, कुछ नया करने में ये नंबर वन होते हैं। इनके अंदर चंचलता भी पाई जाती है, क्योंकि मेष राशि से मानव जीवन की शुरुआत होती है, इसीलिए इनके अंदर बचपना भी बहुत होता है, चाइल्डिश नेचर भी बहुत होता है। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इनका दिमाग अस्थिर होता है, इनका दिमाग जल्दी एकाग्र नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, मेहनती बहुत हैं, साहसी बहुत हैं, गिरने के बाद दोबारा उठ करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन चंचल दिमाग बहुत होता है, इसीलिए अस्थिर होता है और क्रोध में क्विक आते हैं, तुरंत क्रोध में आएंगे, तुरंत अटैक करेंगे, तुरंत शांत हो जाएंगे। छणे रुष्टा छणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, यानी कब गुस्सा आ जाए कब नाराज हो जाए ये मेष वालों का समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनको सलाह लेकर के एक मोती पहननी चाहिए ताकि जल और अग्नि बैलेंस हो सके। आम तौर पर मेष वालों को मोती पहनने से लाभ होता है, और मेष राशि अगर आपकी है तो आप सूर्य देव की उपासना जरूर करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने या तो उनके मंत्र का जप करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या हनुमान चालीसा पढ़ें या गायत्री मंत्र पढ़ें। अगर आप सूर्य देव की विधिवत उपासना करेंगे तो सामान्यतः आपको जीवन में समस्याएं परेशान नहीं करेंगी।